सभी भाइयों का राम राम और भाई एक नए व्लॉग में स्वागत है। आज की शुरुआत हो रही है हमारे नाश्ते के साथ। राणा जी क्या खाओगे? सैंडविच खाएगा। तो पूरी भाजी खा रहा था मैं। तो भाई अभी नाश्ता करके निकलेंगे यहाँ से। और फिर ये तो भैया है ना, भैया क्या नाम है आपका? मनोज भैया 3 दिन से हमारी सेवा कर रहे हैं और 3 दिन हो गए इनको हमारे को खाना खिलाते हुए। अभी यहाँ से नाश्ता करके निकलेंगे हम भीमताल के लिए। चेकआउट के लिए तैयार हैं, राणा जी का इंतज़ार हो रहा है। राणा जी आ गए हैं फाइनली सामान लेके। अब निकल रहे हैं भाई होटल विस्टा से, अब जाएंगे भीमताल। भीमताल में अरीब भाई ने जो अरेंजमेंट किया, देखते हैं वहाँ कैसा रहता है। यहाँ का एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, ठीक ठाक था। दोबारा नहीं आऊँगा, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, प्रोफेशनल नहीं है, मतलब प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे, ओनर का कंट्रोल नहीं है शायद, या जो भी रीज़न है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से निकल रहे हैं। ये भाई हम जा रहे हैं अपने होटल माउंटेन क्लब का, ये रास्ता क्या शानदार रास्ता। और गाड़ी चढ़ने में भी थोड़ा दिक्कत कर रही थी लेकिन चढ़ा दी हमने जैसे तैसे। और ये आगे और संकरा होता जा रहा है, और संकरा। यहाँ से ऑफ रोड शुरू हो गई है प्रॉपर, मतलब कच्चा रोड। और जंगल में से आवाज भी आ रही है, विस्लिंग वुड्स। हाँ ये तो बहुत चौड़ा रास्ता है, बहुत चौड़ा रोड। स्पीति वाले टूर में वो जो बम्पर गए थे, कैसा रास्ता था वो, उस रास्ते में तो खैर रोड डर लग रहा था, किसी का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। देखो भाई BMW भी आई हुई है, BMW 5 सीरीज हो गई है। कहाँ लेगा भैया? लेगा कहीं तो जगह, माउंटेन क्लब यही तो रहा सामने वाला। अच्छा ये मुझे लग रहा है ये ND है ये इसका। हाँ है अंदर जगह क्या? हाँ अंदर तो गेट है, इधर से वो है मतलब सुनता आइसोलेटेड जगह पे। हाँ नहीं आई? नहीं नहीं वो पीछे लेंगे थोड़ी सी, इसको जगह दिख रही होगी। राणा कैसा रहा सफर यहाँ तक का? कुछ इशारा कर रहा है, पूरी पीछे तक ले जानी पड़ेगी उनको। नया एक्सपीरियंस रहा भाई, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस रहा आज का। बिल्कुल पतली पतली गलियों में से एक BMW बंदा लेकर आया हुआ था, तो 520 डील आया था। हाँ 5 सीरीज गाड़ी लेकर यहाँ आया। हमारे राणा जी भी आ रहे हैं पीछे पीछे। ये हमारे राणा जी पहुंच गए हैं, अभी इनसे लेंगे इनके रिव्यूज। तो फाइनली भाई पहुंच गए हम लोग माउंटेन क्लब रिजॉर्ट हरी भाई के प्रॉपर्टी पे, और बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे है। और सर्विसेज अभी हम देख लेंगे, उसके बाद सर्विसेज का रिव्यू मैं बाद में डाल दूंगा। प्रॉपर्टी तो एक नंबर है भाई, मतलब लोकेशन एक नंबर है, बाकी देखते हैं अभी कैसा एक्सपीरियंस रहता है।
जो जगह मुझे पर्सनली पसंद है वैसी ही जगह है और बिल्कुल ग्रीनरी है चारों तरफ। ये पूरी प्रॉपर्टी है भाई। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं माउंटेन क्लब के रूम्स। अभी रिसेंटली रिनोवेट हुआ है, थोड़ा सा स्मेल आ रही है पेंट्स की। ये खिड़की है, ये रूम है, डबल बेड इसमें लगा हुआ है। काफ़ी पुरानी कंस्ट्रक्शन लगती है क्योंकि जैसे आप ये देख सकते हैं ना, ये वायर्स बाहर से निकल जा रही हैं। मेरे गांव वाले घर में भी ऐसा ही था, तो काफ़ी पुराना बना हुआ लगता है। और अगर आप ऊपर देखें तो ये देखें लकड़ी का यूज़ किया हुआ है। बाथरूम का साइज़ अगर आप देखें तो आजकल जो नई प्रॉपर्टी बनती हैं उनमें इस साइज़ का बाथरूम कोई भी नहीं बनाता, ज़रूरत ही नहीं है। बेसिकली एक बेडरूम जितना साइज़ है। ये एक अलग से ड्रेसिंग एरिया हो गया यहाँ। ये अलमीराज हैं पुरानी अभी, लेकिन अभी कोशिश करी है जिन लोगों ने इसको टेक ओवर किया है, उन्होंने इसको थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश की है। इंटरकनेक्टिंग रूम्स हैं, ये आपका एक सेट हो गया और दूसरा जो सेट है उसके बीच में एक ये डोर हो गया। यहाँ से खोलें अपन दूसरे रूम में आ गए और ये दूसरे रूम का बाथरूम हो गया, सेम साइज़, आराम से खेलो कूदो, इतना बड़ा बाथरूम है। और ये इंटरकनेक्टिंग नेक्स्ट रूम के लिए हो गया। तो इस तरीके से रूम्स इंटरकनेक्टेड है। और ये यहाँ से इस वाले रूम की एंट्री है। तो भाई माउंटेन क्लब से चेकआउट करके अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। रास्ते में रुकेंगे और हमारे जो यहाँ के हेड शेफ, ये हमारे दीपक भाई हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया खाना खिलाया, मज़ा आ गया, बहुत ही बढ़िया खाना भाई। तो सब बढ़िया था, खाना बहुत बढ़िया था। थोड़ा सा रूम्स में अभी काम चल रहा है तो इसीलिए ठीक है, हो जाएगा थोड़े दिनों में। मेरे ख्याल से जब तक नेक्स्ट आऊँगा तब तक सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो चुकी होंगी। तो अगली बार जब आएंगे तो अगली बार आपको बिल्कुल 10 out of 10 मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन हमारी रहेगी। इस बार थोड़ा सा हमें, क्योंकि काम चल रहा था तो रूम्स थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ में रहना पड़ा, बाकी खाना एक नंबर, बाकी सब चीज़ें बहुत ही बढ़िया। अरीब भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जिसको भी यहाँ पर आना हो वो उनसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। कैसा एक्सपीरियंस रहा गाड़ी चढ़ाने का यहाँ ऑफ रोडिंग में? सीख लिया गाड़ी कैसे चढ़ा। सीख ली। राणा को चिंता हो रही है, गाड़ी देख रहा है, मुआयना कर रहा है, पूजा को उतार दिया था इसने पहले ही। कोई दिक्कत नहीं राणा, ये तो बहुत छोटा सा वो था। तो लंच हो गया भाई हमारा, लंच कर लिया हमने 2:30 बजे। रस्ते में रुके थे या NS 24 ढाबा है, यहाँ पे रुके थे, ठीक था, अच्छा था खाना, लंच कर लिया, अब निकलेंगे। अब एक ही टेंशन है कि गढ़मुक्तेश्वर पे भीड़ ना मिले, क्योंकि कल गंगा दशहरा है तो रूट का डाइवर्जन हो रखा है, तो देखते हैं वहाँ भीड़ नहीं मिलेगी तो सही रहेगा। राणा जी का सेकंड ब्रेक 2.5 घंटे बाद, नहीं 2.5 भी नहीं होने दे इस बार, तो इसने 2 घंटे बाद ही दूसरा ब्रेक ले लिया चाय पीने के लिए। 2:30 तो होने देता राणा, शाम हो गई ना, 5 बजे का टाइम। हाँ 5 बजे के बाद ये हर 2 घंटे में ब्रेक लेता है, इसका फिक्स है। कादर खान को दिखाई नहीं देता था ना 6 बजे के बाद, वही सीन है तेरा। और हम वापस से रुके हैं एक बार फिर, कौन सा ये मामा यादव, जिसमें पिछली बार खाने में स्वाद नहीं आया था, बिल्कुल रोटियां ऐसी थी कि मुंह छिल गया था। आज देखते हैं भाई चाय कैसी मिलेगी। तो भाई अब मामा ढाबा पे चाय पी के, कॉफी पी के और लस्सी वगैरह सब पी के राणा निकल रहा है डायरेक्ट, और हम लोग भी अब यहाँ से स्प्लिट हो रहे हैं, अपने अपने रास्ते निकल रहे हैं ताकि फटाफट घर पहुँचें। और आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में।